अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज बना रहे हैं मटन पालक। तो मटन को अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है। मटन यहाँ पर तकरीबन हमने लिया है 1 kg के करीब, ठीक है। और यहाँ पर हमने पालक भी लिया है 1 kg से ज़्यादा, तकरीबन 1.5 kg पालक है हमारा, जिसको हमने बारीक जो है वो चॉप कर लिया है, उसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना लेंगे, 3 अदर टमाटर लिए इनका भी पेस्ट बना लेंगे, हरी मिर्च वो बारीक चॉप कर लेंगे, 1 दरमियाने साइज़ का प्याज लिया जिसे काट लिया है, और 1/2 कप हमने योगर्ट लिया है। तो लेट्स स्टार्ट। बाकी हम मसालों में मिर्ची, धनिया, हल्दी जो भी है वो प्लेट में सर्व करते हैं। जी प्याज को बर्तन में फ्राई होने के लिए रख दिया है। गर्म मसाले शामिल किए। जी प्याज गोल्डन फ्राई हो गए, अब इसमें मटन शामिल करते हैं। और मटन को अच्छी तरह से 2 से 4 मिनट तक फ्राई करते हैं, और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया, अब इनको सबको एक साथ फ्राई करते हैं। 1 खाने का चम्मच कटरी पाउडर, 2 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच हल्दी, 1/2 खाने का चम्मच काली मिर्च, और हरी मिर्चें 6 से 5 अदद चॉप्ड की हुई, योगर्ट। सबसे पहले मसाले शामिल करते हैं, फिर टमाटर का पेस्ट शामिल करते हैं। टमाटर का पेस्ट बना लिया है। मटन अच्छी तरह से फ्राई हो गया है प्याज में और अदरक लहसुन में, अब इसे मसालों में फ्राई करते हैं। जी मसालों में 2 से 3 मिनट तक कुक किया, अब इसमें जो है वो टमाटर का पेस्ट शामिल करें, और टमाटर के पेस्ट को शामिल करने के बाद इसमें 1 से 2 मिनट भूनेंगे, फिर इसमें दही शामिल करेंगे। कुक किया, अब योगर्ट शामिल करते हैं, और फिर इसके बाद इसमें पालक शामिल करते हैं। इसको 1 से 2 मिनट मिनट मिक्स कर मसाला भून लिया, अब इसमें जो है वो पालक शामिल करते हैं सारी, और पालक को इस तरह से दबाते जाएंगे। पालक ज़्यादा है वो अभी थोड़ी सी देर में सब कम हो जाएगी, बच जाएगी। अब इसको कुक होने देते हैं तकरीबन 25 से 30 मिनट। जी इसे अच्छी तरह से घोट लिया, हमारा टेस्टी सा हेल्दी सा मटन पालक रेडी टू सर्व है, जो कि खाने में बेहद टेस्टी और बनाने में बेहद आसान। रेसिपी पसंद आती है तो थम्स अप कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।